हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट की वीडियो, और इस वीडियो का नेम है इंडियन फ्लैग को फाड़ दोगे, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल की ये वीडियो है और लोहरी फीट चैनल की ये वीडियो है। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इसमें मेरा रिएक्शन। ओके, हम बोल रहे हैं ये क्या है इंडिया, एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ इंडिया, माय पर्स। इसमें 5,000 के तीन नोट है, तो मैं आपको ऑफर करता हूँ कि 5,000 के तीनों नोट रखो, इस संडे को फाड़ दो। What up guys, this is Shantai from Lorified. This is Gulam Qadir. Well guys, छोटा सा social experiment, क्या आप इंडियन झंडे को थोड़े से पैसों के इवज जलाओगे? ये हम लिबर्टी मार्केट में करने जा रहे हैं। क्या बात है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगस्त का महीना और दोनों मुल्क की आजादी का महीना है। Well guys, at the end, don't forget to subscribe on YouTube after watching this video. और हाँ, एक बात याद रखो यार, Instagram और Snapchat को जरूर follow किया। Keep supporting Lorified. Be Lorified. क्या कैसे हैं? ठीक है, भाईजान बहुत क्या है। एक्चुअली जस्ट आपको एक मिनट चाहिए, ये क्या चीज़ है ये बता दें। पता है कि 14 अगस्त आ रही है, हमारे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आ रहा है, तो उसके हवाले से मैंने आपको ये कहना था कि मेरे हैंड में एक इंडियन फ्लैग है। ठीक है, ये इंडियन फ्लैग है सर। बहुत ठीक है, इसमें 5,000 के तीन नोट है, पर मैं चाहता हूँ कि आप ये पैसे रख के इंडिया का फ्लैग फाड़ दें। ऐसी क्या रीजन है, बीइंग पाकिस्तानी आप इस फ्लैग को क्यों नहीं फाड़ेंगे? कैसे गलत बात है, आप तो पाकिस्तानी यार, ये अगस्त का महीना, आपको तो जज्बा होना चाहिए 14 अगस्त का। तो आप पैसे दे रहे हो ना? ओके, 15,000 छोड़े, मैं आपको 50,000 पे ऑफर देता हूँ, आप इस झंडे को फाड़ देंगे। क्या ये कहना चाहूंगी आप इसको क्या फाड़ सकते हैं? नहीं, क्यों? क्या बात है, यानी आपको कहने का मतलब है कि हर किसी के परचम को इज्जत देनी चाहिए। क्या बात में रखते हुए कि भाई वो हमारे नेबर्स भी हैं, वेयर जन भी वो फाड़ना भी अच्छी बात नहीं थी, क्यों नहीं फाड़ना चाहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आज एक पाकिस्तान आप कोशिश से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। लेकिन ये अकीदत जो होती है, अकीदे का नाम अकीदत है, इसलिए मजहब भी या किसी के खिलाफ भी ना, एक मजहब है ना, मजहब की हमें ना अपील करनी चाहिए दूसरे के मजहब, इसलिए मजहब बराबर आने करना चाहिए। इसका ये भी अकीदत है खिलाफ। अगर 14 अगस्त आ रही है आपके लिए, मुझे उनके सूरों से नफरत होनी चाहिए, उनके रहन सहन से नफरत होनी चाहिए, ना कि उनके मजहब से या किसी हिसाब की बात, मतलब कि झंडे की बेहरमती नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, तो मेरे बटवे में इस वक्त 15,000 पे मुझे, अगर मैं आपको वो 15,000 पे आप दूँ तो क्या आपकी इंडिया में झंडा फाड़ दोगे? ओहो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, कि ये 15,000 है, इसमें वो आपका इस्तेमाल होगा। अच्छा, कोई ऐसी खास वजह एक बता दें, बात तो बुरी नहीं, पर बात तो बुरी कैसे, हम अपने बच्चे की कदर करते हैं, खड़े होकर बात करो ना, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? दिन है 15 अगस्त की अपनी आज़ादी का दिन है,
ओके अंकल आप कह रहे कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरा बटवा है, इसमें 5-5 हज़ार के 3 आई एम ऑफरिंग यू कि मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको कि आप 15 हज़ार रुपये रख लें फिर 20 झंडे को जला दें या फाड़ दें, तो क्या फाड़ देंगे? ये दूसरी बड़ी गलती होगी कि आप पैसे को भी जलाएंगे और झंडा भी फाड़ेंगे, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। क्या बात, आप एक ऐसा मैसेज इंडिया को देना चाहते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को रेडिएट की दुनिया द्वारा खत्म हो जाए, दोनों प्यार करें दूसरे के मुल्क से। मैं यही कहना है कि सबको अपने फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, इंडियन बहुत अच्छे हैं, इंडियन बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से लोग इंडियन अच्छे नहीं कहते हैं वो बहुत अच्छे, गवर्नमेंट की नहीं है आपस में लड़ना, लोग बहुत अच्छे हैं आपस में, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई छोटा बिल्कुल दोस्तों की तरह नहीं, क्योंकि एक ही तरह के लोग हैं, बाकी गवर्नमेंट ने थोड़ा खिलाया हुआ है, हमारे सियासतदानों और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे अंदर जरा थोड़ी सी नफरत है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे। Want to compete them, you grow your economy. You want to compete them, you know, develop yourself. आपको पता है कि इंडिया की इस वक्त इकॉनमी और एज कम्पेयर टू हमारे कंट्री की इकॉनमी कहाँ पे है और ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। क्या रीजन है, आप फिर भी आप क्यों नहीं पढ़ोगे? बीए पाकिस्तानी आप तो पैट्रियोटिक हो यार, पाकिस्तानी हो फिर भी क्यों नहीं पढ़ोगे इसको? पाकिस्तानी नहीं हो तो हमारा मतलब हमारा इवन के खाली दादू जिसने बनाया हमारा स्वामी किसी भी दादू नहीं देता कि आप किसी भी दूसरे मुल्क के किसी भी कंट्री के किसी भी फ्लैट को इस तरह आते हो। क्या बात है, 20 जगह आपको 50 हज़ार का देता हूँ फिर भी पढ़ोगे? हमारी कोई अपनी भी तहसील है, हमारी कोई टीचिंग मैम है अपनी भी कहूँ कोई कोई कैमरा लगा हुआ देखते थे पाकिस्तानी कितने पैसे होते हैं। क्या बात है, कमाल हो गया। तुम हो जाते हैं देखो कैमरा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी दूसरों के फ्लैग के बारे में क्या सोचते हैं ये हम दिखाना चाहते हैं। सर आपने फिर चीज बहुत चुके एक छोटी सी वीडियो बनी थी वो कैप लगा हुआ है बहरों पर तुम्हारे कहकशां। क्या बात है, कमाल हो गया, सुपर आउटस्टैंडिंग, कमाल हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये सोशल एक्सपेरिमेंट की वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से, बहुत ही कमाल की आला और उमदा तरीन वीडियो थी और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई और बहुत ही अच्छे और उमदा किस्म के लोग मिले और उन्होंने बहुत मतलब अकलमंदी और बेहतरीन मतलब एक तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा करके दिल की बातें की हैं जो कि बहुत मज़ा आया इसको देखते हुए, मैंने भरपूर इन्जॉय किया। और इसी हवाले से मैं आपसे बात करता चलूँ कि मतलब जैसे ये तो कुछ लोगों थे जिनसे मतलब उनके साथ ये सोशल एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है वो बेताशा मोहब्बत करती है इंडियन आवाम से, इंडिया के लोगों से, इंडिया की पब्लिक से, इंडिया के आर्टिस्ट से, इवन के इंडिया की हर एक जुड़ी चीज़ से जो कि हक और सच और हकीकत से जुड़ी बात है। इसमें कोई दोहराए, कुछ बनावटी, कुछ फेक बात नहीं। और वहाँ के लोग भी यहाँ के लोगों को बहुत खुशी से अपनाते हैं और मोहब्बत और खलूस के साथ मतलब आप कह लें कि अमन अमान चाहते हैं, और जो कि वाकई में सच बात है, इसमें कुछ भी मतलब इस तरह की झूठ या फेक बात नहीं है। और मतलब होता ये कि हालात जो अभी ख़राब हुए हैं कुछ सालों से वो इसी वजह से हुए हैं कि गवर्नमेंट और फौज और मतलब इसी हवाले से और कुछ ना कुछ मतलब हालात जो कि ख़राब हैं, जो कि बाकी जो लोग हैं यहाँ के और वहाँ के एक दूसरे से मतलब मिलना चाहते हैं और वो सुकून चाहते हैं और वही चाहते हैं कि हालात फिर से ठीक हो जाए, यहाँ के लोग वहाँ आएँ, वहाँ के लोग यहाँ आएँ, खासकर आर्टिस्ट, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन किस्म की बात होती है कि पाकिस्तानी जब आर्टिस्ट वहाँ जाके काम करता है, नाम कमाता है और वापस जब लौट कर आता है तो उसकी जो शान शौकत में इजाफा हो जाता है।
इस वजह से कहते हैं कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट था, वो इंडिया में गया काम कर कर आया और तो मतलब उसका नाम ज़रा रोशन हो जाता है, क्योंकि इंडिया की तो बात ही कुछ और है। और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडिया के लोगों से भी बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो यहाँ के मतलब चाहते हैं कि जंग हो, लड़ाई हो, दंगा हो, फसाद हो, टेररिज्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता ये है कि जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी दिखाया, जो कि एक बंदे ने बगैर बात सुने कुछ कहे फ्लैग को फाड़ दिया था। तो उसी हवाले से मैं आज से मतलब आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो ये कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, जहनी मरीज़ होते हैं, ना उनका दीन होता ना ईमान होता, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और वो किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। वो चाहते हैं लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो कुछ भी हो, बस जीत उनकी हो, अपने बारे में ही सोचते हैं। खुदगर्ज मतलबी किस्म के लोग होते हैं, इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं और जो कि हर जगह पाए जाते हैं। तो कुछ लोग इस तरह के हैं और इन्हीं कुछ लोगों में से वो लोग होते हैं जो कि टेररिज्म, दहशतगर्दी और आप कह लें जहाद और दंगे फसाद, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, जहनी मरीज़ होते हैं, उनको इलाज की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हो, दंगे फसाद हो, जिसकी बिना पर होती हैं ये चीज़ें। और फिर उन्हीं गंदे और ख़राब घटिया लोगों की वजह से पाकिस्तानी होते हैं बदनाम और मुस्लिम का नाम होता है ख़राब, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जो कि फिर मुस्लिम लोगों को लोग टेररिस्ट के नाम से जानते हैं। वो इन्हीं लोगों की वजह से जानते हैं, जैसे कि इस वीडियो के अंदर एक बंदे ने फ्लैग फाड़ दिया एक शख्स ने, तो वो यही लोग होते हैं इन्हीं की टाइप्स में से, जो कि आप कह लें कि एक मछली जो होती है सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो फिर यही वाली बात है कि एक गंदे शख्स की वजह से बाकी सारे लोग भी गंदे हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, जो कि बहुत ही एक तरह से अफसोसनाक बात है। हमारा बस चले तो हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को मतलब खुदा तौफीक दे कि वो इस तरह की शर्मनाक घटी हरकत ना करें और सारी मतलब दुनिया में और इसके अलावा भी खासकर इंडिया पाकिस्तान के अंदर अमन हो, अमान हो, सलाम हो, सलामती हो, सुकून हो। और जो कि मतलब यही लोग चाहते हैं, वहाँ की आवाम भी, पब्लिक भी यही चाहती है, यहाँ की भी यही चाहती है, बिल्कुल भी नहीं चाहते वो लोग और हम लोग भी नहीं चाहते कि जंग हो, लड़ाई हो, दंगा फसाद हो, बल्कि हम लोग चाहते हैं सुकून हो और खुशी हो और यहाँ के लोग वहाँ जाएँ आएँ बहुत सुकून से और आराम से, जो कि मतलब हमारा कल्चर और तहजीब और काफ़ी कुछ जो है उनसे मिलता जुलता है और उनका हम लोगों से मिलता है। बस थोड़ा सा मज़हब का फ़र्क है, इसके अलावा कोई भी मतलब इस तरह की बात नहीं है, जो कि लोग लड़वा देते हैं, होता यही है बस। इसकी बिना पर जो कि अख्तलाफात कुछ होते हैं और मतलब गवर्नमेंट के कह लें आप या फौजियों के मतलब वहाँ की फ़ौज और यहाँ के मतलब इस तरह के कुछ हालात, जिसकी बिना पर पब्लिक के अंदर दुश्मनियाँ और दंगे फसाद की फीलिंग्स पैदा होती हैं, बल्कि ऐसा मतलब करवाया जाता है, जो कि वरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो मतलब पाकिस्तानी आवाम तो इंडियन लोगों को बेतहाशा मोहब्बत करती है, वो उनकी मूवीज़ देखती है, इनके ड्रामे देखती है, इनका कपड़ा जब वहाँ से आता है, कोई भी चीज़ आती है तो बस एक तरह से वो छा जाती है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडियन मूवीज़ चलती हैं, इंडियन ड्रामे चलते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लें इंडिया 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 होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी इसको दुश्मन देश या कुछ भी ऐसे गलत नामों से पुकारा बिल्कुल भी नहीं जाता, बल्कि प्यार और इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, बल्कि बहुत खुशी की नज़रों से देखा जाता है, जो कि हक और सच बात है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हालात फिर से ठीक हो जाएं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए और अच्छा हो जाए और सब कुछ गवार हो जाए। हमारी एक तमन्ना है और दुआएं यही हैं कि जल्द से जल्द ऐसा हो ताकि फिर से सब तरफ खुशियां बिखेरती जा सकें और मज़ा एक तरह से आ जाए। इस एक्सपेरिमेंट की वीडियो देख के बहुत मज़ा आया, लोगों ने मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें की जो कि दिल को छू रही थी। ओवरऑल पूरी वीडियो ही दिल को छूने वाली थी और एक तरह से मैं काफ़ी थोड़ा इमोशनल हो रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को काबू किया काफ़ी हद तक और बहुत मतलब जज्बाती मैं एक तरह से मतलब वैसे शख्स तो हूँ, लेकिन जो है फिर भी मज़ा आ रहा था इसको देखते हुए इस वीडियो को। और बस मैं यही कहूँगा कि बहुत उमदा तरीके का मतलब एक्सपेरिमेंट था, दिल को एक तरह से खुशी हुई जान के वाकई में देखें पाकिस्तानी लोग जो हैं कितनी मोहब्बत करते हैं इंडिया से, जो कि वो फ्लैग भी नहीं फाड़ना चाहते। और जो कि यही है पाकिस्तानी, यही हकीकत है और यही सच है। पाकिस्तानी मीडिया और इंडिया का मीडिया जो है उसमें कुछ आप कह लें इख्तलाफात हैं या फिर कुछ ऐसे दंगे फसादात हैं जो कि ये न्यूज़ इस तरह की बनाता है, रिपोर्टें इस तरह की बनाता है ताकि चैनल की TRP बढ़े, मिर्च मसाला लगे और उनका चैनल चले, इनकी न्यूज़ बिके और काफ़ी ज़्यादा हो, तो जिसकी बिना पर इख्तलाफात पैदा होते हैं, वरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग दोनों देश जो हैं एक दूसरे से बेतहाशा, यहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे के वहाँ के लोग और आपस में मोहब्बत करते हैं और यही सच और हकीकत है, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपको साफ लफ्जों में वाजे किया गया, जो कि बिल्कुल हकीकत थी। तो चले बस मैं ऐसी बात के साथ इस बात को अपनी एंड करूंगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो
तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में। हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।